अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से? जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम वादिय नीलम में मौजूद हैं और मैं शारदा जा रहा था, रात हो गई थी, तो मैं जिस होटल में ठहरा हूँ इस होटल की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और रात थी, ये नज़ारा मैं आपको दिखा नहीं सका, तो अभी मैंने सोचा कि मैं ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा दूँ। घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है, आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी जो बहन भाई हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। अभी मैंने आगे शारदा जाना है, लेकिन अभी मैं जाते वक्त ये आपको खूबसूरती दिखाता जाता हूँ। नीचे देखें जी। जी फ्रेंड्स, तो नीचे एक घर है जिसकी छत लोहे के साथ बनी हुई है, क्योंकि सर्दियों में इधर बर्फ़बारी का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए ये छत लोहे की बनाई जाती है। तो अभी मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ जो कि पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई है। वो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं जो कि शारदा और केल से आगे है, ये टॉप पर पहाड़ी है जिसके ऊपर बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको गेस्ट हाउस दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, इस गेस्ट हाउस में रात को मैंने कमरा बुक करवाया था, इधर मैं रहा हूँ और आपसे रात को वादा किया था कि सुबह उठकर मैं आपको अखरोट और एप्पल का दरख्त दिखाऊंगा। एप्पल का दरख्त तो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया है, लेकिन अखरोट का दरख्त नहीं दिखाया था। कुछ बहन भाइयों ने देखा नहीं होता क्योंकि मैदानी इलाकों में ये नहीं होता। तो चलते हैं जी, आपको अखरोट का दरख्त दिखाते हैं। जिन बहन भाइयों ने नहीं देखा अखरोट का दरख्त, वो इस वीडियो में देख सकता है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा एक एक चीज दिखाने की। ये फ्रेंड्स अखरोट का दरख्त है, इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। वीडियो के साथ रहिएगा, इंशाल्लाह एक एक चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इसकी शाखें देखें, इस तरह का होता है अखरोट का दरख्त। इसके पत्ते देखें, यह इसका पत्ता होता है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि अखरोट का पत्ता किस तरह का होता है अखरोट के दरख्त का, तो आप उसे बता सकते हैं। ये देख लें, लंबे लंबे पत्ते हैं। मजीद आप इसकी शाखें देखें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा कुछ देख लें, किस तरह का होता है अखरोट का दरख्त। वो सामने कच्चे अखरोट लगे हुए हैं, अभी इनका सीजन नहीं है, कुछ महीनों तक ये तैयार हो जाएगा खाने के काबिल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने अखरोट के दरख्त को बड़े अच्छे तरीके के साथ देख लिया होगा। एक दफ़ा फिर देख लें, वो सामने फल भी लगा हुआ है, अखरोट लगे हुए हैं लेकिन कच्चे हैं अभी। ये घर भी आपको दिखाया है, नीचे दरिया भी आपने देखा है, वो सामने पहाड़ी भी आपने देखी है जिसके ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही थी। बड़ा ठंडा इलाका है ये। इंशाल्लाह वादिय नीलम की मज़ीद वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब नीचे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एप्पल का दरख्त, इस घर के बिल्कुल साथ वो एप्पल का दरख्त है, वो भी देख लें। जो मैंने आपसे वादा किया था फ्रेंड्स, मैंने पूरा कर दिया है। एप्पल का दरख्त भी दिखा दिया, वो फल लगा हुआ है, और अखरोट का भी दिखा दिया। जी फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ ये पॉइंट देख लिया होगा जो कि नहायत खूबसूरत है, और उम्मीद करता हूं कि ये जो अखरोट का दरख्त है ये भी आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया होगा, और नीचे जो वो एप्पल का दरख्त आपको दिखाया वो भी आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ शारदा, इंशाल्लाह नीलम वैली की आपके साथ वीडियो आती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अपने भाई मेहर मुदसर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।